तो तेरी क्या क्या शिकायतें मिलने वाली हैं आज? शिकायतें नहीं मिलेंगी, मार्क्स मिलेंगे आज तेरे, मैंने सुना मार्क्स मिलेंगे। हाँ। सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए बट इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन में तो मतलब इंग्लिश में भी कटवाए गए। तो हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ पे ध्वनि मैडम बिल्कुल नींदों में। ध्वनि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है नया दिन और नई शुरुआत। तो जिनी आप बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा क्यों जा रहे हैं आपके स्कूल? तो पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। चलता आ रहा है कि जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो बच्चा भी जाता है साथ में, तो बस। अच्छा तो तेरी क्या क्या शिकायतें मिलने वाली हैं आज? शिकायतें नहीं मिलेंगी, मार्क्स मिलेंगे आज तेरे, मैंने सुना मार्क्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो? पॉजिटिव है, पक्का? तो ते सबसे ज्यादा किस में है, सबसे कम आया है, तो अब आगे जाके बच्चों को पता चलेगा। अच्छा बताने के लिए बोल रहा हूँ। अरे वो तो आगे जाके पता चलेगा कि जो तूने हमें बताया वो सच भी है या नहीं है, वो सारे सच है। चलो आगे जाके देखते हैं, आपके मार्क्स देखते हैं, आपकी आंसर शीट देखते हैं, चले चलो। हाँ जी यशना जी, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हें जिन्नी से? देखो मैं तो एक बात कह रहा था कि पेरेंट टीचर मीटिंग में स्टूडेंट का क्या काम? आप रहने दो, हम जा रहे हैं, से बात करेंगे। चले तो चलो फ्रेंड्स, वो तो पेपर देख के पता लगेगा कितने अच्छे हुए। चले चलो। हाँ भाई जी, कैसा लग रहा है स्कूल आके वो मम्मी पापा के साथ? डर पता है क्यों नहीं लग रहा? डर पता क्यों लग रहा? क्योंकि डर के आके जीत है। सेकंड फ्लोर पे हम भी चलते थे। हाँ तभी तुम छोटी रह गई। तो ये आ गए जिनी की क्लास 9th जी, लेट्स सी। यहाँ पे आ गई है जिनी की, ये आई है साइंस की। साइंस में इसके कितने नंबर आए हैं? टोटल 25 में से आए हैं 21। इसके केमिस्ट्री, फिजिक्स में है 7, 8 out of 7 और 8 out of 6 जिनी किस में है? केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, और 9 out of 10 बायो में। तो टोटल आए हैं इसके 25 में से 21। और तुम कौन से मार्क्स मिल गए इसके? ये आई सी हमारी मैथ्स की, मैथ्स में 23 है 25 में से। और ये आई सी हिंदी की, हिंदी की 22 जी, नहीं हिंदी बस 22 रह गए थे। और हंस रही है, देखो हंस रही है। और ये किस में है? सोशल साइंस 23.5। चल ठीक है। और जी नहीं इंदिरा जी, इंदिरा इंग्लिश का कहाँ रह गया? इंग्लिश अभी मैम से पूछ लेते हैं। मैम से पूछ लेते हैं एक बार। जिनी तू इंग्लिश का ले आई है आखिर, इंग्लिश में कितने इसके? 19.5। जिनी ये क्या मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव? देखो सारा नंबर कॉम्प्रिहेंशन में कट। दिखाओ ये वाला, दिखाओ मेरे को। इनकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है वैसे। थॉट की स्पेलिंग गलत, ये थ्रोट लिखना था तूने। ये नहीं, तू कमाल है। चेक फॉर स्पेलिंग सेंटेंस, ये सही लिखा हुआ है, चेक फॉर स्पेलिंग सेंटेंस। ये नहीं इंग्लिश में तेरे को और मेहनत करनी है, ठीक है? चल कोई बात नहीं, अभी टीचर से पूछते तेरा क्या हाल है। यहाँ पे हमें एक और पेपर मिल गया है, ये है AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें इसके हैं 23.5। जी नहीं तेरे अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? इंटेलिजेंस तो है पर वो आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल है। अब चले हम फिर। मैम का तो पॉजिटिव रिस्पांस आए थे, मार्क्स भी ठीक आए इंग्लिश को छोड़ के। मैम ने कहा क्लास में बहुत रिस्पॉन्सिबल और अच्छी बच्ची है। अब बाहर चल के देखते हैं आपका स्कूल कैसा है, चले।
1 hour later. तो फ्रेंड्स फाइनली जिनी की पीटीएम ओवर हो गई है और जिनी के टीचर ने बहुत तारीफ करी है. सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए बट इंग्लिश को छोड़ दो. इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन में तो मतलब इंग्लिश में भी कटवाए कहाँ है. लिटरेचर और ग्रामर सब सही है. कहाँ कटे है इसके उसमें कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में 3-4 नंबर कटवाए लड़की. वाह ध्वनि वाह जिनी वाह वाह भाई वाह. अभी भी तुम्हें ध्वनि याद आ रही है. ध्वनि इसलिए याद आ रही है फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ध्वनि हमारे साथ दिख नहीं रही है. तो ध्वनि कहाँ है. ध्वनि को नींद आ रही थी और इसकी पीटीएम 8:15 पे स्टार्ट हो गई थी. तो हम ध्वनि को घर पे छोड़कर आ गए हैं. तो चलो चल के देखते हैं ध्वनि कर क्या रही है. और जिनी थोड़ी सी मेहनत करो थोड़ा सा और थोड़ी मेहनत मत करो ज्यादा मेहनत करो थोड़ा सा और फोकस करो जिससे और अच्छे नंबर आए. बाकी आप अच्छे लाए हो मतलब बाकी सब ठीक बस चल रहा है वही चल रहा है. लेकिन थोड़ी सी मेहनत करोगे मतलब लापरवाही नहीं करनी चाहिए. और सभी बच्चों को मेहनत करनी चाहिए ताकि उनके नंबर अच्छे आए. तो चलो देखते हैं ध्वनि क्या कर रही है. यस तो हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ पे ध्वनि मैडम बिल्कुल नींदों में. ध्वनि हम पीटीएम से आ गए हैं. ध्वनि अभी भी नींद आ रही है. और सोना है कितना सोना है. आवाज नहीं आ रही. कितना सोना है ध्वनि को. और नींद आ रही है. सच बता कितनी नींद आ रही है. पापा जगा रहे हैं फालतू में है. नीनू आ रही है. नीनू आ रही है. जिनी सर को थोड़ी देर सोने देते हैं ठीक है ना. ठीक है ध्वनि सो जा थोड़ी देर. और तेरे को ध्वनि लेकिन एक बात पता है जिन्नी को इतनी कंप्लेंट मिली मैं क्या ही बताऊं है ना जिनी. ध्वनि लेकिन तेरे को चलना चाहिए था. तेरे को बड़ा मजा आता है इसकी कंप्लेंट सुनने में. स्माइल लेगा ध्वनि की स्माइल. सोने तो चलो है ना. A few moments later. तो अभी यहाँ पे ध्वनि उठ गई है. तो ध्वनि आप क्या कर ले हो. मंडाला आर्ट. आप उठते ही मंडाला आर्ट करने बैठ गए. है मजा आता मंडाला आर्ट करने में. कितना बहुत ज्यादा. और आप सोते रहे थे पीछे से. नींद इतनी ज्यादा आ रही थी ध्वनि बेबी को. ओ भाई साहब देखना मेरे बच्चे की आंखें भी सूज रही है इतनी नींद आ रही है. बच्चों को भी सैटरडे संडे तो मिलता है ना सोने के लिए. और जिनी दीदी का तो रिजल्ट अच्छा आया. सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए. इंग्लिश में कम रह गए. इंग्लिश में 19.5 आए. और पता उसने 3.5 मार्क तो कॉम्प्रिहेंशन में ही कट करा दिया. सोच सिली मिस्टेक. चल कोई नहीं होता है होता है. लेकिन आपके आप अच्छे नंबर लाओगे. हाँ दिखाओ क्या कर रहे हो. ओ वाओ अमेजिंग मंडाला आर्ट. ये पूरा आपने किया. ये कलर भर रखे हैं आपने इसमें. कौन से ब्रश कलर्स हैं. ब्रश पेंस हैं. तो जल्दी से रेडी हो जाओ देवी जी. ओके फ्यू मिनट्स लेटर. तो अब देखते हैं हम ध्वनि मैडम जी फिर से क्या कर रही है. ध्वनि मैडम आपका सैटरडे मना रहे हो अच्छे वाला. है सैटरडे मना रहे हो. नहा भी लो बात ले लो. नहा लेगी बात. अच्छा 12 बजे. 12 बजे मुहूर्त निकला है. किस पंडित ने निकाला है. कौन से पंडित जी आए हैं यहाँ पे जो 12 बजे मुहूर्त निकाल के लाए हैं ध्वनि के नहाने का. है ध्वनि. और ये क्या है आपके हाथ में छुटकू सी चीज. दिखाओ जरा हमें. ओ वाओ ये तो ध्वनि की शक्ल बन रही है कैट जैसी है ना. ये तो ध्वनि मियाऊ लग रही है. मियाऊ मियाऊ. ओ भाई ये क्या है. ओ भाई साहब ध्वनि की ये फोटो है टीचर के साथ की. और ध्वनि इससे प्रिंट निकाल रही है. किस लिए. अपने कार्ड में चिपकाने के लिए. कार्ड में चिपकाने के लिए. तो ध्वनि को ये टीचर बहुत पसंद है ना. ध्वनि की फेवरेट मैम. अच्छा ध्वनि की कितनी फेवरेट मैम है जरा नाम बताओ. पायल मैम और शिल्पी मैम. रूमा मैम. ज्योता मैम. राधिका मैम. गुंजन मैम. और प्रेरणा मैम. पिंकी मैम. याद है प्रेरणा मैम पिंकी मैम. ध्वनि की बहुत सारी फेवरेट टीचर है. और ध्वनि सबके लिए कार्ड बना रही है और ये प्रिंट निकाल रही है. भैया अब नहा लो. चलो ये काम करना बाद में. चलो 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 चार्जिंग पे लगाना. ये देखो ये भागी. अरे भागी अरे भागी. बिल्ली 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 भागी. और बिल्ली भागी और बिल्ली भागी. तो फ्रेंड्स आज है छुट्टी वाला दिन. बट मैं इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ कि एंजॉय करते रहना चाहिए बच्चों को लाइफ में. थोड़ा थोड़ा चुटर पुटर एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए. और बेटा जी एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ते भी रहना चाहिए. हाँ
हाँ ध्वनि के एग्जाम खत्म, यस ध्वनि के एग्जाम्स खत्म, ये मेरा हिप की टू भी हो गया, ये टू बन गया, ये हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, अब एग्जाम कौन देगा? मम, ओए कौन देगा एग्जाम हमारे घर में, जल्दी बता, जिन्नी दीदी। देखो अब सितंबर में फोर्थ वीक को मेरा होगा इंटर हाउस जिमनास्टिक कंपटीशन टीजडे को 12। बेटा ईटी अभी रह गया है, ये मम्मी 5th लिखा है, नहीं आपका वो रह रहा है कंप्यूटर का ईटी, वो देना है बस 15th को, बाकी सब देखो मूवी टाइम, ये मूवी टाइम, ये है नो बैग डे, नो बुक डे और ब्रेक 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 ब्रेक। भाई मजे आ गए, अब तो सितंबर में ध्वनि एंजॉय एंजॉय करने वाली है, बल्ले बल्ले। तो ध्वनि फ्रेंड्स को अच्छे से डांस करके दिखा दो, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। लेटर ध्वनि जी क्या हो रहा है? मैं जिमनास्टिक देख रही हूं। अच्छा इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है जिमनास्टिक का, अरे वाह वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स ध्वनि ने बात भी ले लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अब ध्वनि जिमनास्टिक देखेगी, उसके बाद पढ़ाई करेगी, क्या करेगी? पढ़ाई। तो फ्रेंड्स वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, तो जल्दी से इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।